चलिए स्टूडेंट, ठीक। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि किसी बॉडी पर जो फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ओके, और इसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीपी बाय डीटी। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कॉन्स्टेंट लगेगा, और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इस बेसिस पर ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू डी पी बाय डी टी। ठीक, तो ये तो हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमें यहाँ पर ठीक इसमें प्रूफ करना है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म होता है एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, मतलब फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सलेशन के। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर हमने इसके लिए कंडीशन क्या मानी हुई है। हमने यहाँ पर कंडीशन ये ली हुई है कि कोई बॉडी जो है, ठीक है, जिसका मास m है, और m मास वाली बॉडी है, इस पर हम फोर्स F लगाते हैं। तो यहाँ पर dt टाइम तक हम इस पर फोर्स लगाते हैं। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इसके मोमेंटम में चेंज हो जाएगा dp। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिख दी है। चलिए, अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए ठीक है, क्या मान लिया हमने, मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक, नेक्स्ट मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है, मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, हम यहाँ पर हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिए हम यहाँ पर दोनों साइड पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dp बाय dt, और ये होगा d बाय dt mv। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, इफ मास इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब हम उस बॉडी पर इतना फोर्स लगाए, वो इतनी मोशन करे, इतनी एक्सलरेट करे कि उसका मास कैसा बना रहे, कांस्टेंट ही बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग जो मास डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा है ना, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेलोसिटी का होगा, डी वी बाय डी टी। ठीक, नेक्स्ट अगला इसके बाद ठीक है, क्या है जो वैल्यूज है ना, जैसे क्या आया हमारे पास, डी पी बाय डी टी। तो डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है फोर्स के। और सेकेंड जो हमारा था डी वी बाय डी टी है ना, रेट इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है किसके, एक्सलेशन के। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे इधर, यहाँ पर इस साइड में, तो डी पी बाय डी टी बराबर हो जाएगा फोर्स के, ठीक है, और वेलोसिटी हो जाएगी एक्सलेशन के। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद ये होगा एफ, और डी वी एम एज इट इज रहेगा, और ये डी वी बाई डी टी की प्लेस पर आ जाएगा एक्सलेशन। ओके, तो ये था प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म।